प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। आप सभी मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक के माध्यम से, मैं डॉक्टर पारुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को माघ मास की पूर्णमासी की बहुत बहुत बधाइयां हूँ। माघ मास की पूर्णमासी क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है? वैसे तो हर प्रकार की हर महीने में आने वाली पूर्णमासी महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन इसका माघ मास की पूर्णमासी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता धरती पे आके प्रयागराज में सभी स्नान करते हैं मनुष्य रूप धारण करके, दान जप यह सब उनका कार्य करते हैं, और जितने भी मनुष्य योनि के लोग हैं यानी कि हम आम लोग भी प्रयागराज में जाके इस दिन स्नान करते हैं, तो इसका एक विशेष महत्व और हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमें पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए, और जितना भी गृहस्थ जीवन की महिलाएं हैं उनके लिए विशेष महत्व देता है पूर्णमासी का व्रत। अगर नहीं रख सकते तो आप माघ मास में एक बार यह व्रत जरूर धारण करके देखिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं जितनी भी दिक्कतें हैं जरूर समाप्त होती हैं। इस महीने में हमको विष्णु जी शिव जी और ब्रह्मा तीनों की अपार कृपा मिलती है, तो इन तीनों के आशीर्वाद और इस दिन आप हमको जो महत्वपूर्ण चीज होती है लक्ष्मी जी बिल्कुल विराजमान होती हैं हमारे घर में हमारे जीवन में, और हमको भरपूर स्नेह और अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। तो इस दिन लक्ष्मी जी का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। जिस भी इंसान को या फिर साधु संत पंडित कोई भी तप करना चाहते हैं जप करना चाहते हैं वे शुक्ल पक्ष के मास से शुरू होते हैं और माघ मास तक एक महीने तक संगम तट पर जाकर जप करते हैं तप करते हैं और दान दक्षिणा देते हैं, क्योंकि इस महीने में दान दक्षिणा को विशेष रूप में बताया गया है। इस महीने में हम कुछ भी दान करते हैं चाहे तिल हो चाहे कपड़े हो चाहे भोजन हो चाहे अन्न हो, जो भी चीज हम किसी को भी दान करते हैं वह हमको दुगना फल देकर मिलती है, हमारे आगे वाली योनियां सुधार देती है और हमारा घर परिवार सुखी संसार रहता है, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा होता है। तो इस व्रत को धारण हर गृहस्थ जीवन में स्त्री को जरूर करना चाहिए। आइए चलिए बात करते हैं दिनांक क्या होगी, कब और कैसे व्रत रखा जाए, क्या आपको इसमें उपाय करने चाहिए और इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दिनांक आरंभ होगा वह आरंभ होगी 4 फरवरी यानी शनिवार को, यह प्रारंभ होगी रात्रि के 9:29 से 5 फरवरी तक 11:58 रात्रि तक यह तिथि रहेगी, और जो चंद्र उदय समय यानी जब आप पूजन करेंगे पारण करेंगे वह आपका रहेगा 5:40 शाम के 5 तारीख यानी कि इतवार यानी रविवार वाला दिन रहेगा। तो इस दिन आपको सुबह सुबह स्नान करना है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। स्नान में आपको जब आप जल आपके घर में अगर आप जल से स्नान करते हैं उसमें आपको गंगा जल जरूर डालना चाहिए। किसी के घर में गंगा जल नहीं है तो आपको काले तिल उसमें जरूर डालने चाहिए, काले तिल डालकर ही आपको स्नान करना है। और इस दिन फिर आपको विष्णु रूपी जो स्वरूप होगा वह अपने घर में विराजमान करना है। अगर आपके घर में विष्णु जी की कोई प्रतिमा नहीं है लेकिन कोई बुक है या फिर कोई छोटी सी फोटो है वे उससे भी आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो आपको आज के दिन सुबह स्नान करके, जो भी लोग व्रत नहीं धारण कर रहे हैं ये मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से आज नहीं कर पाएंगे उनके लिए दीप दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज आपके मंदिर में कोई भी भगवान को आप मानते हैं, कोई भी आपका इष्ट है, कोई भी आपका गुरु है, आपको सुबह उठ के स्नान करना है, पूजा अर्चना करनी है, घी का दीपक जरूर अपने घर में आज के दिन जलाना है, धूप बत्ती करनी है, घर में खुशबूदार धूप करनी है। तो यह चीजें आपको करनी है, और शाम होते ही जैसे जब हमारा प्रदोष काल लग जाता है यानी रात्रि का समय नजदीक आ जाता है तब आपको गाय के गोबर के उपले का एक बार धुनी अपने घर में जरूर करनी है जरूर। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होती हैं और वह आपकी मनोकामनाएं और आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण करती हैं। तो यह आपको जरूर करने हैं, यह चीजें आपको आपने जब जिन्होंने व्रत रखना है अब हम उनकी बात करेंगे। सुबह उठेंगे आप स्नान करेंगे उसमें गंगा जल डालेंगे और काले तिल भी डाल सकते हैं आप। आप स्नान करने के बाद सीधा आपने सूर्य देव जी को नमस्कार करना है, फिर आपको उनको जल अर्पण करना है।
जल में आपने डालने हैं पुष्प और काले रंग के तिल, यह डाल के आपने उनको सूर्य नमस्कार करना है, अपनी जो भी गलती है उनकी माफी मांगनी है, और आपसे कोई भूल चूक हो, आप संकल्प ले लें कि मेरे से कोई भूल चूक हो गई है इस व्रत को धारण करते हुए, या मेरे से कुछ बुरा हो जाता है, या अब शब्द मैं निकाल देता हूँ अपने मुंह से, तो मुझे ईश्वर उसके लिए माफ कर कीजिएगा। तो यह आपको जरूर चीजें करनी है। उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना जैसे करते हैं वैसे करेंगे। आपको दो मालाएं जरूर करनी है विष्णु जी के मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी विष्णु जी का मंत्र जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे, जो आप करते हो, जाप करते हो, आप वह भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए, क्योंकि शिव जी का महत्व भी आज के दिन बहुत ज्यादा माना जाता है। तो आप यह कर सकते हैं। जिसके घर में संतान नहीं हो रही है, या जिसके घर में धन की कमी है, या जिसका चंद्रमा कमजोर चल रहा है इस टाइम पे, माता जी से नहीं बनती है, बहनों से नहीं बन रही, खटपट रहती है, बच्चों से नहीं बन रही, आपके अपने घर में कलेश जैसा वातावरण रहता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बना देते हैं आपके घर में, या आप ही बना देते हैं, तो आपको रात्रि के समय जब चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा को आपको अर्घ देना है, उसमें आपको डालना है कच्चा दूध, कच्चे दूध का आपको अर्घ देना है, उसमें थोड़े से पुष्प मिला लीजिए, या सफेद हो सकते हैं या लाल हो सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो आज के दिन दान, जैसे मैंने बताया, बहुत ही महत्व माना जाता है। तो जब आपका व्रत या पारण जब कर लेते हैं, उसके बाद आपको तिल से बना कोई मिठाई, या फिर गुड़, या फिर आपको तिल से बनी जो मिठाई होती है, गुड़ जो होते हैं, मतलब गुड़ की मिठाई भी आप दे सकते हैं, या गुड़ से बनी आप खीर भी दे सकते हैं। और आपको लक्ष्मी माँ को खीर का भोग जरूर लगाना है, जो कि गुड़ की बनी खीर होती है, उसका भोग लगाइएगा, वही आप प्रसादम में रखिएगा और प्रसाद सबको दीजिएगा। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। और एक आप चीज कर सकते हैं, अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही है, या संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, या किसी कारणवश आपको बीमारी या रोग लग गया है, तो आपको करना क्या है, आज के दिन यानी पूर्णमासी, माघ मास की पूर्णमासी के दिन तुलसा जी पे आज अपनी आप कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। यानी आपको आज खाली जल उनको नहीं देना है, कच्चा दूध आज आपको उनको चढ़ाना है, और एक आप उनको चुनरी अर्पण कर सकते हैं, यानी कि आप उनको भेंट कर सकते हैं, और अपनी इच्छा, मन मन में जो भी आपकी इच्छा है वह आप मानिए, मांगिए, और अपनी फिर गलतियों की माफी मांगिए, और उनको धन्यवाद कीजिए जो भी उन्होंने आपको जीवन में दिया है। बहुत बहुत सभी को पूर्णमासी की शुभकामनाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।